नमस्कार, कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्या डेंगू का असर किडनी पर पड़ता है या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते मौसम की वजह से कई बीमारी होने का खतरा रहता है। उनमें से एक है डेंगू की बीमारी। रुके हुए साफ पानी में पैदा होने वाले ईडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये एक तरह का वायरस होता है जो बॉडी को इन्फेक्ट करता है, जिसका बुरा असर किडनी पर भी पड़ सकता है। वायरस से बॉडी में एक तरह का इन्फेक्शन फैलने लग जाता है, जो किडनी के काम के साथ साथ किडनी को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे किडनी की कोई भी समस्या हो सकती है या फिर किडनी फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है। वायरस के इन्फेक्शन से डेंगू की बीमारी के पेशेंट्स की किडनी फेल होने के साथ साथ कई पेशेंट्स के लीवर में भी पानी भर जाते हैं। इसलिए अपने आसपास सफाई बनाएं और डेंगू की बीमारी से बचने की कोशिश कीजिए। आप डेंगू से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखकर किडनी की बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दीजिए। अगर पानी इकट्ठा हो तो उसमें BTI पाउडर, टैमीफोस या जला हुआ तेल डालें। सेकेंड है, घरों में कूलर, टायर, टंकियों में जमा पानी को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। घर में फुलवारी है तो मच्छर मारने का स्प्रे कीजिए। थर्ड है, पूरे ढके हुए कपड़े पहने, खासकर बच्चों को दिन रात पूरे कपड़े ही पहने। फोर्थ है, घरों में खिड़की दरवाजों पर जालियां लगाएं। लास्ट है, बुखार को सामान्य मानकर खुद दवाई लेने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेंगू की बीमारी होने के कुछ लक्षण साफ दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, हाथों पैरों में तेज दर्द, शरीर पर दाने निकल आना, कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। हालात बिगड़ने पर आपको तेज दर्द, बार बार उल्टियाँ, लीवर बढ़ जाना, शरीर पर स्वेलिंग, हाथ पैर ठंडे पड़ना और ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको कोई भी 2 से 3 लक्षण नज़र आ रहे हैं तो जल्द ही डॉक्टर से मिलकर इलाज करवाएं। डेंगू का इलाज 1 हफ्ते का होता है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत कीजिए, जिससे आगे जाकर आपको किडनी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो आज हमने आपको बताया डेंगू का असर कैसे किडनी पर पड़ता है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किडनी से संबंधित किसी भी समस्या से पीड़ित है तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। जी मैम, आपका कब से ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ से? सर 3 महीने से चल रहा है, 18 मार्च से चल रहा है। ठीक है। हाँ जी, और उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि उनका पहले काफ़ी कैटरीना में और यूरिया में काफ़ी फर्क था, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया। उनका डायलिसिस जो हफ्ते में 2 बार होता था, मतलब फिर हफ्ते में 1 बार हो गया, फिर 15 दिन में हो गया, ऐसे करते करते मतलब बहुत फर्क पड़ गया उनको। अब तो उनका डायलिसिस बंद है 1.5 महीने से, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिजिकली फिट है? हाँ जी फिट है। यूरिन कैसे आ रहा है? यूरिन बिल्कुल पास हो रहा है, अच्छी तरह पास हो रहा है। ठीक है जी, ये तो रही पेशेंट की बात, और अब हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें जो इनकी रिपोर्ट्स हैं हम देख सकते हैं, इसके अंदर इनका जो GFR है वो इनका अप्रॉक्सीमेटली 15.7 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ चुके हैं। किडनी का जो साइज़ है, दैट इज़ राइट किडनी इज़ नॉर्मल इन साइज़ एंड लेफ्ट किडनी इज़ ऑल्सो नॉर्मल इन साइज़, दोनों किडनी का साइज़ भी नॉर्मल है।